हेलो दोस्तों, मैं मानवेंद्र प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं नॉलेज हाउस में। और आशा करता हूं आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया होगा। अगर दोस्तों आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब का बटन दबाइए, साथ में बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे आप हमारा कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिस ना कर पाए। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं सौरभ पांडे आपका स्वागत करता हूं इस हिस्ट्री की एनसीईआरटी की क्लासेस में, जहां पे आज हम करेंगे कवर चैप्टर 9 और चैप्टर 10। दोस्तों, इससे पहले के सारे चैप्टर हमारी प्लेलिस्ट में बने हुए हैं, प्लीज़ वहां से जाके देख लें। और आज आप सब ने देखा यूपीएससी का पेपर था आज, और हमारे एनालिसिस हमने जो डाली है उसमें आपने देखा होगा किस तरीके के क्वेश्चन आए थे। तो अप्लाइड क्वेश्चन ही आ रहे हैं दोस्तों, हिस्ट्री से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। तो मेरी पूरी कोशिश यही होगी कि मैं अप्लाइड आपको तरीका बताऊं, और इसके बाद हम क्लास 6 पे पूरी एनसीईआरटी पे एक एमसीक्यू का कोर्स भी लाएंगे बहुत जल्दी दोस्तों, ठीक है। उसको देखने के लिए और करने के लिए हमारा जो ग्रुप है प्लीज़ उसको ज्वाइन करिए, और प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक करिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिए, आयरन टूल्स के इस चैप्टर में मेरी बात जानने की कोशिश करेंगे जो विलेज था या जो टाउन था उसमें क्या क्या चीज़ें होती थी दोस्तों, ठीक है। तो इसमें आयरन टूल्स या एग्रीकल्चर के बारे में हम जानेंगे। देखिए, सबसे पहले आयरन जो यूज़ हुआ, ठीक है, उसका 3000 साल पहले इस्तेमाल शुरू हुआ, ठीक है। उसके बाद मेगालिथिक बोरियल्स जो थे उसमें मिले हमें, ठीक है। अब उसके बाद हुआ क्या कि आयरन क्यों यूज़ किए जा रहे थे, उनको एज अ प्लॉ भी यूज़ किया जा रहा है, एज अ वेपन भी यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि देखिए आयरन मजबूत होता है और आयरन धारदार भी होता है। आप यहाँ देख सकते होंगे आयरन टूल्स हैं ये, ठीक है, एक पेचकस जैसा कुछ है, एक छेनी जैसा कुछ है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये ऐसे बॉटल ओपनर टाइप होता है वैसा कुछ है, ठीक है। तो आपको ये समझ में, हालांकि उस टाइम पे ऐसी बॉटलें नहीं होती होंगी बट फिर भी। तो अब देखिए, आपको ये समझ में आया कि क्या था कि प्रोडक्शन फॉरेस्ट के लिए ज़रूरी था, आप उसके लिए आयरन टूल यूज़ किया जा रहा था। क्यों? क्योंकि जल्दी मिट्टी ज़्यादा अच्छी गहरी खनने के लिए, ये सारे कामों के लिए। उसके बाद प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने के लिए क्या हो रहा था, इरीगेशन चाहिए था, वो सारा काम नदियों से हो रहा था, ठीक है। अब देखिए, आप यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर सकते हैं, वरना ये बहुत इजी है, ठीक है। अब देखिए, थोड़ा हम विलेज के बारे में जानेंगे दोस्तों। ये पे सिर्फ मैं एक आइडिया आपको दे रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है। अब फैक्चुअल क्वेश्चन यूपीएससी में नहीं पूछे जाते, अब स्टेट के एग्जाम में पूछे जाएँ तो पूछ जाएँ, वरना अब फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। तो देखिए, इन द तमिल रीजन लार्ज लैंड ओनर्स वेयर नोन एज वेल्लालर, वेल्लालर कहते थे जो बड़े बड़े जमींदार टाइप लोग होते थे, ऑर्डनरी जो प्लेमैन होते थे मजदूर टाइप उनको उजावर कहते थे, और लैंडलेस लेबर स्लेव्स इन सबको क्या कहते थे, कड़ाई सियार या अडी माई, ठीक है। अब देखिए, ग्राम भोज का होता था वो इंसान जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट लैंड ओनर था, जैसे मूवी में नहीं दिखाता है कि सबसे ज़्यादा बड़ा जो जिसका खेत वेत होता है, जो जमींदारों का भी जमींदार होता है, वो उसको ग्राम भोज का कहते थे। अब यही मेन आदमी होता था पूरे गाँव में, पूरे विलेज में, जो पावरफुल होता था, और इसी से सारे टैक्स वगैरह सब लिए जाते थे दोस्तों, ठीक है। यही सबसे छोटे छोटे लोगों से टैक्स कलेक्ट करता था और किंग को ले जाके टैक्स देता था। अब इसके बाद क्या बोलते हैं, कई मैन और वुमेन थे जिनको कहते थे दास कर्माकर, जिनके पास कोई लैंड वैंड नहीं होता था, और वो क्या करते थे, दूसरों की फील्ड पर काम करते थे। अब जैसे मैंने आपको बताया है, ब्लू बॉक्स में दोस्तों जो भी हो, हमेशा ब्लू बॉक्स को आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ब्लू बॉक्स से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे क्या है, संगम लिटरेचर के बारे में बताया जो कि कंपोज हुए थे 2300 साल पहले, ठीक है। अब ये संगम लिटरेचर क्यों कहते थे, क्योंकि लोग असेंबली में बैठ के कंपोज करते थे, कंपाइल करते थे इसे, जो कि हेल्ड होती थी सिटी ऑफ मदुरई में, ठीक है। तो इसलिए ये संगम लिटरेचर कहलाते थे, ठीक है। अब देखिए, ये क्लेवर पुअर मैन की स्टोरी है, ये आप पढ़ सकते हैं, वो थोड़ी अच्छी सी लगेगी आपको, मोटिवेशनल टाइप। अब देखिए, ये विलेज के बारे में थोड़ा बताया है कि कैसे ये गोल गोल होता था, और ये रिंग वेल्स होते थे, ठीक है, और महाजनपद में क्या क्या होते थे। अब इन्हीं सारी चीज़ यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों जिनको देख के समझ में आता है कि अच्छा उस टाइम पे ऐसा रहा होगा। अब जैसे हमने पिछले चैप्टरों में कुछ पढ़ा कि लोग केव में बैठ के हिरण को बना रहे हैं या दूसरे बड़ा जानवर बना रहे हैं जो छोटे जानवर को मार रहा है, अब वो इमेजिनेशन तो दोस्तों कम ही कही जाएगी। अगर इमेजिनेशन होती तो शायद वो रोबोट बनाते या ऐसा कुछ बनाते, तो वो ऐसी चीज़ें बना रहे थे जो उन्हें उस टाइम पे दिखती थी। तो वही यही सारी चीज़ें हैं जो हमें दिख रही हैं उस टाइम पे, वो हमें समझ में आता है इन्हें देखे कि इस ये चीज़ें उस टाइम पे रही होंगी, ये चीज़ें उस टाइम पे प्रिवेल करती रही होंगी, तभी ये सारी चीज़ें हैं उस टाइम इस टाइम पे, ठीक है। अब और कैसे हमें पता चलता है हिस्ट्री के बारे में, जो लोग आते थे, अब जैसे देखिए, अब ब्रिटेन से कोई आया, उसने कोई बुक लिखी कि भारत में ऐसा ऐसा है, मैं 1905 में आया और उस टाइम पे बाहर बंगाल के दो टुकड़े हो रहे थे, और उसके बाद वो लिख के चला गया। अब कोई भी व्यक्ति उसका कोई भी किताब पढ़ेगा तो उसे यही समझ में आएगा ना कि अच्छा उस टाइम पे ये चीज़ें हो रही थी।
तो कई सारा अकाउंट हमें मिलता है, जो लोग सेलर्स आते थे और वो लिख के जाते थे और जो बताते थे, ठीक है। अब कई सारे हैं, अभी देखिए एक और स्टोरी है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अब कॉइन्स क्यों इंपॉर्टेंट है? कॉइन्स इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि कॉइन्स पे जैसे समुद्रगुप्ता को आप देखेंगे वीणा बजाते हुए एक कॉइन पे, आपको समझ में आएगा कि अच्छा समुद्रगुप्त वीणा बजाते थे। तो क्वेश्चन ये भी आते हैं कि इन विच कॉइन यू फाइंड अ किंग प्लेइंग वीणा, तो अब इसमें जिसको पता है डायरेक्ट क्वेश्चन है ये तुरंत वो समुद्रगुप्त मार्क कर देगा। तो कॉइन दोस्तों क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कॉइन ही हिस्ट्री बताता था कि उस टाइम पर राजा का क्या स्टेटस था। अब गोल्ड कॉइन है, कॉपर कॉइन है या कैसा कॉइन है, ये इंपॉर्टेंट होता था, ठीक है। तो वो स्टेटस भी कहीं ना कहीं बताता था। सिल्वर कॉपर ये सारे पंच मेटल होते थे। अब देखिए इसके बाद एक सिटी के बारे में डिस्कस हुआ है जो कि मथुरा है, ठीक है। मथुरा क्यों इंपॉर्टेंट थी? क्योंकि देखिए ये बहुत ही मिडिल ऑफ पोजीशन में थी, ना बहुत वेस्ट में थी, ना बहुत ईस्ट में थी, ना बहुत नॉर्थ में ही थी, तो ये मिडिल ऑफ सम पोजीशन में थी और वहाँ पे काफ़ी सारा आर्ट एंड कल्चर का प्रोडक्शन था और काफ़ी सारा आर्ट एंड कल्चर पाया जाता था, ठीक है। इसलिए और सेकेंड कैपिटल थी ये कुशानास की, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। कुशानास ने बहुत ज़्यादा सिल्क रूट को कवर किया था और इसके बाद ये सारे स्टैचूज मथुरा में मिले हैं, तो इसलिए मथुरा काफ़ी आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से काफ़ी रिच ये डिस्ट्रिक्ट था, ठीक है, ये जो जगह थी। इसके बाद मथुरा के बारे में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है दोस्तों। इसके बाद एक नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर के बारे में बात हो रही है, जो फाइन पॉटरी थी, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए कि ये बहुत फाइन पॉटरी थी और नॉर्दर्न पार्ट में मिलती थी, ब्लैक कलर में होती थी, फाइन शीन होती थी। अब देखिए आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंस थे वो सारे यहीं से मिले। अब देखिए पहले भी एसोसिएशन होता था, आपने देखा होगा वज्जी में डेमोक्रेसी थी, तो ऐसा नहीं है कि एसोसिएशन पहले नहीं होता था, पहले भी एसोसिएशन होते थे। अब जिनका नाम होता था श्रेणीज, जो पर मर्चेंट्स लोग बनाते थे उन्हें श्रेणीज कहते थे हम, ठीक है। अब वो क्या करते थे, वो बैंक को भी सर्व करते थे और काफ़ी सारा उनके पास मनी का वो था और काफ़ी इन्वेस्टमेंट उनका, जो मनी माइंडेड लोग थे, ठीक है, तो वो ट्रेनिंग वेनिंग देते थे और ये सारे काम करते थे। इसके बाद देखिए इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अर्क मेडू एक सिटी है, कोस्टल सेटलमेंट जहाँ पे लोग आते थे और वहाँ पे मेडिटेरियन रीजन की भी चीज़ें पाई गई हैं, जिसका मतलब यही है कि मेडिटेरियन रीजन से भी लोग आते थे। तो आप ये देखेंगे कि ये सारा जो तरीका है जानने का हिस्ट्री, वो यही है कि आप कॉइन देख के बताएंगे कि अच्छा इस गाँव में ऐसा था, कॉइन ऐसा था। आप अर्क मेडू में देखेंगे कोस्टल रीजन था, वहाँ पे शिप्स आती थी, तो अच्छा ठीक है मेडिटेरियन सी के मेडिटेरियन रीजन की चीज़ें पाई जा रही हैं। दोस्तों मैं चाहूँगा आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे मेडिटेरियन रीजन में सबसे ज़्यादा कौन से फ्रूट्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताती हैं कि ये कैसा था सारी चीज़ें। अब देखिए ये यहाँ पे चैप्टर ख़त्म हो जाते हैं, तो आप इस चैप्टर में पूरी तरीके से पाएंगे कि बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, ठीक है, और बहुत ही आराम से आप इस चैप्टर को कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टफ चैप्टर नहीं है। इसमें दो तीन पॉइंट ही हैं जो इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम अगले चैप्टर में बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना चाहिए। अब ट्रेडर किंग्स एंड पिलग्रिम्स, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। देखिए इसमें हम ट्रेडर्स के बारे में जानेंगे, ट्रेडर्स जो बाहर से आते थे, जो यहाँ से जाते थे, किंग्स के बारे में जानेंगे थोड़ा बहुत और पिलग्रिम्स के बारे में जानेंगे। पिलग्रिम्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखिए आज जो कनेक्शन होता है, आज आप देखेंगे बुद्ध सर्किट बनाया जा रहा है, राम सर्किट बनाया जा रहा है, अभी जानकीपुर होके आए हमारे पीएम, उसके बाद ये सारा जो पिलग्रिमेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो इसलिए आपको ये पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। अब नॉर्दर्न ब्लॉक पॉलिश वेयर के बारे में हमने पढ़ लिया। अब साउथ इंडिया किस चीज़ के लिए फेमस था? पेपर के लिए। पेपर को दोस्तों ब्लैक गोल्ड बोला जाता है, ठीक है, तो पेपर के लिए बहुत फेमस है क्योंकि रोमन एम्पायर से बहुत ज़्यादा डिमांड होती थी कि भाई आप पेपर पहुँचवाइए। अब इसके बाद देखिए यहाँ से शुरू होता है कि भाई देखिए सी रूट था, आपने देखा होगा हम पेनिनसुलर हैं, एक तरफ हमारे अरेबियन सी है, एक तरफ हमारे बे ऑफ बंगाल है, तो ये सारा रीजन था जहाँ से लोग आते थे और इसी तरह हम कनेक्टेड थे, शिप से लोग आते थे। अब यहाँ पे मोविंदर के बारे में बात हुई है, लेकिन मुझे लगता है ये बहुत ही स्पेसिफिक है, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि अब स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं आते दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ देखिए चोला चेरा और पांड्या के बारे में बात हुई है। अब इन थ्री, इनके दो सेंटर होते थे, एक इनलैंड होते थे, एक कोस्ट पे होता था। अब जैसे देखिए पुहार, कावेरीपट्टनम, द पोर्ट ऑफ चोलाज एंड मदुरई द कैपिटल ऑफ पांड्याज, ये सारे क्या बोलते हैं जगह थी जो इंपॉर्टेंट थी पर्टिकुलर लीडर्स के लिए। अब ये रेगुलर टैक्सेस नहीं लेते थे, ये गिफ्ट लेते थे, ये ठीक है, ये क्या बोलते हैं ट्रिब्यूट लेते थे नेबरिंग एरिया से, और ये सारा क्या बोलते हैं वेल्थ रखते थे और सपोर्ट करते थे सारे अपने मेंबर्स ऑफ सोल्जर फैमिली पोएट्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। अब सतवाहना जो डायनेस्टी है 200 साल के बाद जो आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्यों? देखिए
इसमें हो क्या रहा है कि इसमें गौतमीपुत्र श्री सत्कर्ण, जिसकी माता का नाम था गौतमी बालाश्री, इसी से इनका नाम डिराइव हुआ था। अब इनको क्या बोलते हैं, क्या बोला जाता था, दक्षिण पंथ, क्योंकि दक्षिण पंथ क्या था, दक्षिण की तरफ जो लीड करता था रूट, इसलिए दक्षिण पंथ बोला जाता था। ये थोड़ा फैक्चुअल है, लेकिन मैं चाहूँगा आप इसे एक बार याद कर लें अच्छे से, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि भाई दक्षिण पथ का क्या मतलब है, तो इसलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसे एक बार पढ़ लीजिए। अब सिल्क रूट, दोस्तों अभी चाइना ने एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव निकाला, क्यों निकाला दोस्तों, क्योंकि ये सिल्क रूट को ही कनेक्ट कर रहे हैं, पुराने सिल्क रूट को। अब होता क्या है दोस्तों, अगर देखिए आप समझिए, कोई दो तीन स्टेट हैं, अब आज के डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है कि अगर तीन स्टेट हैं, कोई हाईवे वहाँ से पास हो रहा है, तो अगर सड़कें बन रही हैं तीनों स्टेट से, तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता था कि वहाँ से टैक्स लिवाई किया जाएगा, ठीक है, वहाँ पर भाई अब डेवलपमेंट होगा, तो वही होता था। पहले क्या होता था कि अगर कोई रूट है किसी राजा के किंगडम से वो पास होता था, तो वो राजा क्या करता था, उससे टैक्स लेता था और प्रोटेक्शन भी देता था कि भाई देखिए कोई भी आपको हमला नहीं करेगा आपके ऊपर, आप फुल हैं, आप अपना आज़ाद हैं, आपको जो लेके जाना है लेके जाइए। तो ये सिल्क रूट दोस्तों कुछ ऐसा ही होता था। सिल्क रूट क्यों होता था, क्योंकि सिल्क जाता था चाइना से और सिल्क की काफ़ी डिमांड थी सेंट्रल यूरोप में, ठीक है। अब ये कैसे बनता है सिल्क, आप सबको पता है, चाइना से जाता था। अब चाइनीज़ रूलर जो होते थे वो क्या बोलते हैं, गिफ्ट करते थे सिल्क को, क्यों, ईरान और वेस्ट एशिया को, क्योंकि वहाँ पे सिल्क होता नहीं था और लोगों को बहुत पसंद आता है। आज भी आप देखेंगे सिल्क की साड़ी का काफ़ी ट्रेंड है, ठीक है। अब रोम में लोगों को काफ़ी पसंद आने लगा, तो अब भाई डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई तो आनी पड़ेगी ना, तो जब सप्लाई आनी है तो जो ट्रेडर्स हैं वो लेके आएंगे। अब ट्रेडर्स को रास्ते में डर है, क्योंकि देखो लुटेरों को भी पता है कि सिल्क की डिमांड है, वो भी बेच सकते हैं, तो अब उन्हें चाहिए सिक्योरिटी। तो ये सिक्योरिटी जो थी दोस्तों वो प्रोवाइड करते थे जो रास्ते में किंग्स पड़ते थे। अब जो सिल्क रूट को सबसे ज़्यादा कंट्रोल करते थे वो कुशानास थे। अभी हमने पहले पढ़ा है कुशानास का सेकंड कैपिटल कौन सा था दोस्तों, हमने मथुरा के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो इन्होंने पूरा कवर कर रखा था और इनके जो मेजर सेंटर थे वो पेशावर और मथुरा थे। अब इन्होंने जब कवर किया था तो इन्हें काफ़ी ज़्यादा इससे टैक्स मिलता था और इनकी जो इन किंगडम थी वो काफ़ी प्रॉस्पेरस थी। अब इसीलिए ये काफ़ी रिच हुए और यही थे जो इशू किया इन्होंने गोल्ड कॉइन दोस्तों, ठीक है। अब इसके बाद इतनी सी ही बातें हैं जो हम सिल्क रूट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आगे हम डिटेल में और पढ़ेंगे। अभी हम चैप्टर 6 की एनसीईआरटी कर रहे हैं दोस्तों, इसलिए आप ये बहुत एक्सपेक्ट मत करिए कि डिटेल में आप चीज़ों को पढ़ेंगे, चाहे वो बुद्धिज़्म के बारे में हो, अभी हम भक्ति मूवमेंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं है कि हम तुरंत पढ़ेंगे, अभी हम डिटेल में थोड़ा 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 और करते जाएंगे, तो इसे बिल्कुल परेशान मत होइएगा दोस्तों। और प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए प्लीज़। तो देखिए दोस्तों, अब हम थोड़ा सा बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ेंगे। हम पहले भी गौतम बुद्ध के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा, हमने जानने की कोशिश करी, और अब हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। तो कुशाना रूलर जो कनिष्ठ थे उन्होंने बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज़ की, जहाँ पे डिस्कस किए जाते थे मैटर्स, ठीक है। और अश्वघोष थे एक पोएट जिन्होंने बुद्ध चरित लिखी, ठीक है, वो इन्हीं के कोर्ट में थे कुशाना रूलर कनिष्ठ के। और देखिए यहाँ पे न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म की भी थोड़ी बात हुई है कि महायान बुद्धिज़्म था, ठीक है, जहाँ पे क्या होता था कि बुद्धास प्रेजेंस और स्कल्पचर में इनका प्रेजेंस दिया जाता था, ठीक है। अब एनलाइटमेंट जो हुआ था वो स्कल्पचर्स और पीपल ट्री के बारे में इन्हें बताया जाता था, अभी पीछे मैं आपको दिखाऊंगा। दूसरा था बोधिसत्वास, बोधिसत्वास वो लोग थे जो लोग एनलाइटमेंट माना जाता था कि एनलाइटमेंट इन्हें हो चुका है और ये क्या बोलते हैं एनलाइटमेंट के बाद ये कंप्लीट आइसोलेशन में रहेंगे और मेडिटेट करेंगे पीस में, लेकिन ऐसा नहीं होता था। इसके अलावा वो क्या करते थे, लोगों को सिखाते थे कि भाई कैसे रहना है कैसे नहीं रहना है, और काफ़ी पॉपुलर भी हुए ये लोग, सेंट्रल एशिया चाइना यहाँ गए। अब जैसे देखिए दोस्तों, ये आपको दिखेगा एक बोधिसत्वास है, एनलाइटमेंट जो हो चुका है इसके पीछे सूरज आ चुका है, वो एनलाइटमेंट लोग हैं, मतलब ये बोधिसत्वास हैं, और ये दूसरे हैं, ठीक है। देखिए मैंने आपको दिखाया महायान बुद्धिज़्म जो है ये दूसरा वाला है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हमें ये करना है, अब श्रीलंका में गया बुद्धिज़्म, और आप आज भी देखेंगे क्वेश्चंस जो आते हैं वो श्रीलंका से रिलेटेड, या हमारी जो डिप्लोमेसी है वो बुद्धिज़्म डिप्लोमेसी, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहती है म्यांमार से रिलेटेड, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब फायान और जुआंग जैंग और आइजिंग के बारे में काफ़ी बातें होती हैं कि ये लोग आए थे, काफ़ी कुछ लिख के गए। फायान के बारे में आप देखेंगे कि आगे भी डिस्कस करेंगे हम लोग, और आज यूपीएससी में भी एक क्वेश्चन आया है जिसने डायमंड के बारे में लिखा हो, वो आज एक क्वेश्चन था, तो वो भी एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अब नालंदा के बारे में देखिए, नालंदा में ये जो बुद्धिस्ट मोनास्ट्री थी, ठीक है, नालंदा काफ़ी ज़्यादा फेमस है, आज की डेट में भी नालंदा को रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि नालंदा एक बहुत ही अच्छा एकेडमिक प्लेस था फॉर लर्निंग,
ठीक है। अब यहाँ से भक्ति मूवमेंट थोड़ा सा हम जानेंगे कि भक्ति मूवमेंट क्या था। भक्ति मूवमेंट क्या था कि सब कोई अपने अपने भगवान मान के उनकी पूजा करना शुरू कर दिया, चाहे शिव जी हो, विष्णु जी हो, गॉडेस दुर्गा जी हो या कृष्ण जी हो। तो ये कहीं ना कहीं भक्ति था। ये क्यों था? भगवद गीता में प्रेजेंट था, क्योंकि कृष्ण ने क्या बोला था अर्जुन से कि जो भी आप डिवोटी फ्रेंड वेंड सबको छोड़ के आप मेरी भक्ति में लीन हो जाइए, ठीक है, तो इससे आप हर चीज़ से फ्री हो जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं भक्ति मूवमेंट एक पर्टिकुलर गॉड को मान के वहाँ पे वो लोग उन्हीं को पूरा डिवोट कर देते थे खुद को, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ ये इतनी सारी बातें हुई हैं भक्ति के, मतलब भज से आया है जो डिवाइड और शेयर होता है, ठीक है, टू वे रिलेशनशिप होती है डाइटी और डिवोटी के बीच में, जिसके बीच में कोई नहीं आता। अब ये थोड़ा सा भक्ति मूवमेंट के बारे में बात हुई है, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने कि ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा, ये दोनों टेक्निकल कम थे, बस थोड़ी सी डिटेल में बातें हुई हैं। और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि हमें और अभी डिटेल में पढ़ना है, ये अभी शुरुआत है इसलिए कम आपको लग रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि हमें डिटेल में और करना है। थैंक यू सो मच दोस्तों, प्लीज़ हमारा वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।